बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल दरभंगा का DMCH है, जो आए दिन किसी न किसी बातों को लेकर चर्चा में बना रहता है। कभी यहां वार्ड में पानी चले जाने से लोगों को घुटने भर पानी में जाकर इलाज करवाना पड़ता है, वहीं इसकी लापरवाही की दास्तां कोई नहीं है। अलग अलग जगह DMCH में एक तो गंदगी का अंबार लगा रहता है, वहीं दूसरी ओर इसकी शुद्धि लेने वाला कोई नहीं है। DMCH को लेकर अलग अलग तरह के वादे किए जाते हैं। फिलहाल DMCH 2500 वार्ड के नए सुपर स्पेशलिस्ट वार्ड का निर्माण करने जा रही है। ऐसे में जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं वह देखकर आप चौंक जाएंगे। DMCH प्रशासन की पोल खोलती है तस्वीर, मानवता को शर्मसार कर रही। DMCH की तरफ से लावारिस मरीजों के बेहतर इलाज के लिए इसमें 8 बेड की व्यवस्था की गई, लेकिन इस वार्ड की स्थिति देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वार्ड के खोलने के पीछे का तर्क यह था कि जिसका कोई नहीं है उसको DMCH में यहां लाकर इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए, लेकिन DMCH की इस योजना का हाल बेहाल है। DMCH इमरजेंसी वार्ड के ठीक सामने बना यह वार्ड देखकर आपको लगेगा कि यह काम सिर्फ कागजों पर ही हो रहा है। इस वार्ड के अंदर पहले 3 लावारिस लोगों को इलाज के लिए रखा गया था, फिलहाल हमें 2 ही दिखा, लेकिन यहाँ की व्यवस्था नग्न की बराबर है। इनकी बीमारियों का इलाज सिर्फ खाना पूर्ति है और उन्हें बेड के बजाय नीचे में लाकर छोड़ दिया गया है। इस वार्ड में ना तो कोई डॉक्टर उपस्थित है, ना ही कंपाउंडर और ना ही कोई गार्ड की व्यवस्था की गई है, और बदबू की बात तो छोड़ ही दीजिए, ऐसा लगता है कि यहाँ इन्हें भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। वहीं इन सभी बातों का उपाधीक्षक को कोई जानकारी नहीं था, जिसको हमने अवगत कराया है। उपाधीक्षक डॉक्टर हरेंद्र कुमार का आश्वासन है कि इस समस्या को वह दूर जल्द से जल्द करेंगे। देखिए, चंद दिन पहले मैं निरीक्षण में था आउटडोर और इमरजेंसी का, तो पाया कि कुछ लवारिस मरीज जो है कि वो कॉरिडोर पर हैं, तो उनको जो है कि तत्काल एक वार्ड हमारा खाली था उसमें रखवा दिया गया और उनका समुचित इलाज का हमने प्रबंध किया। वहाँ के सिस्टर इंचार्ज CCW को सिस्टर इंचार्ज को मैंने ये जिम्मेवारी दी कि आप इनका जो है इनको एडमिशन कराइए और एडमिशन करा कर इनका जो है कि दवा और उचित चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध कराइए और उसके अनुसार इनका दवा का पालन कराइए। इनका डाइट जो है कि अपना जो डाइट सप्लायर है उनसे डाइट बनवाइए और इनको डाइट मिलना चाहिए समय से, पानी मिलना चाहिए। इसके लिए हमने दीदी के रसोई जो कि हम लोग के अस्पताल में डाइट का सप्लाई करती है उनके संबंधित अधिकारी को हमने फोन करके बताया कि हमारा यहाँ पर जो है एडमिशन किया हुआ लावारिस पेशेंट हैं, इनको जो है आप खाना दीजिए। इसके अलावा मैंने उन पेशेंट का हमने नाई बुलवा कर उनका बाल मुड़वाया, बाल मतलब कि ठीक ठाक कराया, दाढ़ी बनवाया, सारा चीज़ उनको नहलवाया सामने में और उनको वस्त्र दिया गया। इसके अलावा भी वहाँ के लोकल होटल को मैंने हिदायत दी कि आप लोग यहाँ के लिए अगर भोजन इनको नहीं मिलता है समय से तो आप इनको भोजन प्रोवाइड कर दीजिए, आपकी पेमेंट की व्यवस्था मैं करूँगा। इतना किया हुआ है और अपने जो है कि सफाई कर्मचारी के एजेंसी को भी यही हिदायत किया गया कि इनके देख रेख के लिए एक जो है कि अपना स्टाफ नियुक्त कीजिए, उसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। ये हमको संज्ञान में नहीं था, मैं इसको फिर से लेता हूँ और जो है कि वहाँ पर व्यवस्था उचित करवाने का प्रयास करता हूँ।